हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायगढ़ की केलो नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का ट्रायल शुरू हो गया। योजना के तहत वर्तमान में 25 MLD के ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत हुई। इस सिस्टम से रोजाना 80,000 लीटर प्रदूषित पानी को शुद्ध कर नदी में डिस्चार्ज किया जा सकेगा। कलेक्टर ने बुधवार को ट्रायल रन का निरीक्षण किया और दूसरे फेज को पखवाड़े भर के भीतर रन करने का निर्देश है। दरअसल केलो नदी लगातार प्रदूषण की चपेट में है, जिसे लेकर स्थानीय लोग नाराज थे, तो वहीं नदी बचाव समिति भी इसे बचाने को लेकर लगातार संघर्षरत थी। NGT ने भी नदी की दशा को देखते हुए जल्द से जल्द सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद 68 करोड़ की लागत से STP का निर्माण हुआ। इस योजना के तहत केलो नदी में मिलने वाले 18 गंदे नालों के पानी को अब ट्रीटमेंट करने के बाद नदी में छोड़ा जाएगा। ट्रीटमेंट के बाद औद्योगिक इकाइयों को पानी सेल करने की भी तैयारी है। कि यहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए और शहर की जो गंदे नाले हैं, जो शहर का जो गंदा पानी है जो नदी में आता है, वो सफाई हो। तो ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था, एक साल विलंब से बन रहा है। शहर के जो महत्वपूर्ण नदी है केलो नदी, वो जो प्रदूषित हो रहे थे गंदा पानी जाने के वजह से, तो उसी को देखते हुए STP कार्य को चालू किया गया था। तो आज लगभग पूर्ण होने के कगार पे है। शहर का पूरा गंदा पानी जिसके थ्रू बहता है, उन सभी को इससे कनेक्ट कर दिया गया है और अभी इसका ऑपरेशन भी चालू हो गया है। जो भी नालों में गंदा पानी आ रहा है उसको ट्रीट करके जो नॉर्मल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको फिर NTPC को बेचने का प्लान है।